current trade and technology inside we learn about session number 7 jise humne already session number 6 complete kar chuke hain 7 ke inside we learn about gps and what is the full form of gps you know very well global positioning system uske alawa hum yahan pe थोड़ा सा पॉइंट 13.5 इमरजेंसी ट्रेड एंड स्टोरेज डिवाइस जिसमें नास एंड सन थोड़ा फनी नेम है बट उसके बारे में और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर करेंगे उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं सेशन नंबर 7 के इनसाइड जैसे मैंने फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन के इनसाइड हमने फिंगरप्रिंट के अंदर हमने क्लैरिफाई जैसे ये थंबप्रिंट है थंबप्रिंट के अंदर देख रहे हो यहाँ पे ऐसा आपका फिगर प्रिंट है जो पर्सन वाइज क्या होता है यूनिक होता है ऐसा हमने सेशन आगे वाले में क्लैरिफाई किया था बट उसके अंदर जो नाम्स हैं उसके वो क्लैरिफाई जैसे कहीं टाइम एयर भी होती है ओके और ये जो पॉइंट्स है वो कॉन्टेक्ट में है जो कॉन्टेक्ट है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉन्टेक्ट हुआ जैसे एग्जाम्पल ये लाइट है लेजर लाइट है जो पहले वाले वीडियोज़ के अंदर ये पॉइंट्स क्लैरिफाई नहीं हुआ था बट यहाँ पे मैं ये इमेज के थ्रू पूरा पॉइंट समझा सकता हूँ लाइट का यहाँ रिफ्लेक्शन जाता है और जहाँ पे ये सरफेस पे टच होता है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है और उसके हिसाब से पूरी एक पैटर्न बनती है और ये रिसीवर होता है रिसीवर क्या करेगा जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ उसको क्या करेगा लेंस के अंदर रिकॉर्ड करेगा और वो मैच करेगा ये पर्सन ऑथराइज पर्सन है कि नहीं है तो फिगर प्रिंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका यूज़ हमने मैक्सिमम आधार कार्ड के अलावा कई सारे मैंने एटीएम का भी एग्जांपल दिया है अभी ऑथराइज पर्सन को एंट्री देने के लिए फिगर प्रिंट अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या था आयराइज जैसे आयरस रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी मैंने आपको पॉइंट्स क्या क्लैरिफाई किया था रेंटेना और हमारा जो आयरस का पैटर्न है दिख रहा है आपको यस ये लेंस है लेंस के सराउंड जो यहाँ पे पैटर्न होता है जो पर्सन वाइज क्या होता है डिफरेंट जो मस्कुलर है मसल्स हैं और उसके अंदर भी आप लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे लाइंस अवेलेबल है जो येलो कलर के साथ साथ यहाँ पे मैच हो रही है और ये क्या होता है पर्सन वाइज डिफरेंट है तो ये मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है जैसे यहाँ पे लेंस आपके रिफ्लेक्शन होके ये मसल्स को टच करके वापस पर्सन टू पर्सन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ऐसे टोटल कितने हैं 266 राइट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और उसके अंदर से मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कितने थे जो अभी तक हमने यूज किया है बोलिए यस 173 जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे मैंने जो कई पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुका हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने का और उसके बाद ही ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो चुका है अभी जो नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करने वाला है वो कौन सा है वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वॉइस के अंदर आपने क्लैरिफाई कर चुके हैं वॉइस के अंदर क्या मैंने क्लैरिफाई किया था जो भी सिग्नल होता है वो कौन सा होता है जैसे नॉर्मल वॉइस एनालॉग में होता है ओके एनालॉग में उसको कन्वर्ट किस में करना होता है डिजिटलाइज जैसे ये ओल्ड है आपका ऑलरेडी डेटा रिकॉर्ड है और करंट अभी जो वॉइस आपको एंट्री करोगे और उसमें डिजिटली दोनों जो ऑलरेडी डिजिटल यहाँ पे आपका वॉइस रिकॉर्ड किया है वो और जो अभी आप प्रेजेंट में वॉइस वो मैच होगा बाइनरी के अंदर उसके बाद ही वो क्या करेगा अलाउड करेगा और ऑथोराइज है कि नहीं है वो आपको क्लैरिफाई करेंगे वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया था उसका मैक्सिमम यूज़ मैंने जीपीएस के थ्रू भी क्लैरिफाई किया था और वहाँ पे मैंने लास्ट सेशन के अंदर पॉइंट स्टॉप किया था जैसे BRTS है मेट्रो ट्रेन है ओके आप लोकेशन आइडेंटिफाई करो और वो लोकेशन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करके रेडी किया है जैसे ब्लूटूथ का अभी एग्जाम्पल दिया था जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और वहाँ पर कोई फोन कॉल आता है तो वो पर्सन का नेम ओके डायरेक्टली आपके मोबाइल में से कैरेक्टर रीड करके आपको सुनाई देते हैं मीन्स डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने का काम है वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन का और इसका मैक्सिमम यूज़ भी हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है GPS व्हाट इज द फुल फॉर्म GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे आपका करंट लोकेशन अर्थ के अंदर कौन सा है वो देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं GPS द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज वन ऑफ द वाइंडली यूज द सिस्टम नेविगेशन एप्लीकेशन
नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहे हो फिर भी आपका करंट लोकेशन आइडेंटिफाई करना हो तो आपके पास नेविगेशन एप्लीकेशन होना चाहिए। और जो ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर GPS जो चिप है वो इनबिल्ट होता है, मीन्स ऑलरेडी फिट किया होता है। बट ये एक्चुअली कंसेप्ट लाया था कौन, सबसे मेन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो उसके एक आर्मी का जो टीम है वो दूसरे आर्मी के टीम के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए वो क्या करते थे, GPS एज वेल एज एनिमी का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया गया है। उसके बाद डे बाय डे उसके पास स्मार्ट डिवाइस आने लगे, इसके बाद उसने क्या कर दिया, पब्लिकली फ्री कर दिया। बट अब GPS एक्टिवेट करते हो तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सैटेलाइट कितने रिजर्व है, 24 ऑर्बिट में रोटेशन है, इसकी अभी प्लस इंक्रीमेंट हो चुकी है, अराउंड 26-28 समथिंग है एक्यूरेंस आपको डेटा या इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो GPS वॉज ऑरिजिनली इंटेंड मिलिट्री एप्लीकेशंस, जैसे मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, 1980 गवर्नमेंट मेड बाय दिस सिस्टम, गवर्नमेंट ने पूरी सिस्टम डिज़ाइन किया था, उसका लोकेशन ओके उसके जो जियोग्राफी है उसके ऊपर पूरा वॉच रखने के लिए, बाद में वो पब्लिकली क्या कर दिया, अनाउंस और फ्री में कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको माइंड में सेट करना, इट इज़ अ वेरी रिबस्ट सिस्टम दैट वर्क एनी वेदर कंडीशन, जैसे हैवी स्नो फ्लो, वॉल्केनो, अर्थक्वीक है वहाँ पे इजीली वो काम कर सकते हैं, एनी वेयर इन द वर्ल्ड 24 आवर्स 365 डे वो सबके ऊपर वॉच रख सकता है। इसके लिए मैक्सिमम अभी जो डिवाइस है ना वो GPS के थ्रू डिजाइन कर रहा है। एज अ नाउ देर इज नो सब्सक्राइब फी और सेटअप चार्ज टू यूज, क्योंकि GPS के थ्रू उसका कोई सेटअप चार्ज नहीं है, उसका यूज़ करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। जैसे व्हाट्सएप में आप लोकेशन सेंड करते हो आपके फ्रेंड को, जिससे आप इजीली लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका हम कोई चार्जेस पे नहीं कर रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ओके। नेक्स्ट, एनी डिवाइस हैविंग द GPS रिसीवर कैन यूज दिस सिस्टम, मीन्स आपके मोबाइल के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, GPS रिसीवर की चिप होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर इनबिल्ट होती है, स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा भी डिवाइस आप परचेस कर सकते हो, और ट्रैकिंग के लिए ट्रक कार वॉलेट के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल द स्मार्टफोन टुडे कम वी इनबिल्ट द GPS रिसीवर, और कहीं सैमसंग जैसी कंपनी ने डिवाइस भी जनरेट की, जैसे आपका मोबाइल और किचन के टाइप का भी ओके डिवाइस अवेलेबल है। और इन केस नई ऑप्शन है तो डाउनलोड आप GPS की एप्लीकेशन कर सकते हो और नेविगेशन कर सकते हो, लाइक गूगल मैप है वो आपका GPS का ही यूज़ करके नेविगेशन नियरेस्ट बाय लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा, करंट लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा, मैप और मेजरमेंट भी और टाइम जोन भी आपको इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवा रहा हूँ उसका पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन करिएगा। अभी मैंने मिस एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ ओके, ये एक्चुअली काम कैसे करता है, पूरा डायग्राम माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे सैटेलाइट है, ये ओनली फॉर मैंने जूमिंग किया हुआ है, ट्रक है, ट्रक के अंदर ओके GPS व्हीकल अवेलेबल है, लाइक BRTS में होता है, ट्रेन में होता है, प्लेन में होता है राइट। जैसे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट वाले जो ट्रक है वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कहाँ पे वो वेट किया, कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, इसके लिए उसमें अभी लेटेस्ट GPS इक्विपमेंट ऑलरेडी उसके अंदर होता ही है। अपने BRTS के अंदर कौन से स्टॉप पे स्टॉप किया नहीं किया, कितनी स्पीड से वो व्हीकल चल रही है, तो इसके अंदर GPS डिवाइस होता है, और उसके रिकॉर्ड लैपटॉप में वो वॉच करते हैं। और ये सब कुछ डिटेल किसके अंदर होता है, सर्वर के अंदर। अभी देखो सैटेलाइट इसके ऊपर वॉच रखता है और उसका कंट्रोल यहाँ पे लोकल मोबाइल के सर्विस के थ्रू भी होता है, और इसके लिए GSM GPS की कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, और ट्रैकिंग सर्वर के अंदर ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड होता ही है। नहीं समझ पा रहे, थोड़ा और भी डिवाइस के थ्रू मैं आपको समझा लूँगा कि ट्राई करूँगा। ये वॉच करने के लिए ट्रक के अंदर हमने GPS सिग्नल रख दिया है। स्टूडेंट मिक्स मत करना, RFID है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट, GPS है वो आपका करंट लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट, उसका यूज डिफरेंट है।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के इनसाइड जीपीएस के अंदर, तो जीपीएस रिसीवर कंपेयर द टाइम सिग्नल वॉज ट्रांसमिट बाय द सैटेलाइट एंड रिसीवर, वो क्या करेगा सिग्नल को ट्रांसमिट करके, जैसे आपका मोबाइल लॉस हो गया राइट, तो आप क्या करते हो उसको ट्रांसमिट करते हो, मीन्स उसको फाइंड आउट करने की ट्राई करते हो, उसमें जीपीएस ही आपको यूज करता है। द टाइम डिफरेंट टेल द जीपीएस रिसीवर हाउ फेयर अवे द सैटेलाइट इज, दिस प्रोसेस रिपीटेड फॉर द टू और थ्री मोर सैटेलाइट्स एंड रिसीवर, देन कैन बी डिटरमाइन द यूजर एग्जैक्ट पोजिशन एंड डिस्प्ले द एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये देखो इतनी सारी थियरी है, उसको समझाने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मेरा करंट लोकेशन ढूंढना हो, जैसे मैं वर्बली आपको इन्फॉर्म करूँ, तो यूनिवर्सल के अंदर सबसे फर्स्ट क्या होगा, अर्थ, अर्थ के इनसाइड क्या होगा इंडिया, इंडिया के इनसाइड गुजरात, सूरत, और जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन वहाँ से मिल जाता है। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही काम है, सैटेलाइट वन बाय वन सिग्नल को रिसीव करके टोटल मिनिमम थ्री सैटेलाइट यूज किया था, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलेशन। मैंने आगे वाले जो इमेजेस आपको इन्फॉर्म किया था उसके अंदर वही क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा था। ओके अभी देखो, जैसे ट्राइंगुलेशन होता है टू कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और उसके लिए एटलीस्ट कितने सैटेलाइट होना चाहिए, थ्री सैटेलाइट, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलेशन। अभी जीपीएस से क्या क्या हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्पीड, बिहेवियर, ट्रैक, ट्रिप, डिस्टेंस, डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन, सनराइज एंड सन सेट टाइम। ओके उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं जीपीएस का, आपके मोबाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वेदर के रिगार्डिंग होता है, स्नोफ्लो है कि नहीं है, मानसून सीजन है तो हमारा क्लाइमेट क्या है, तो वो अपडेट कौन करता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, कौन होगा, जीपीएस। समझ में आ रहा है, और उसके लिए आपका मोबाइल के अंदर वन टाइम सिग्नल फैच होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एडवांटेज भी अभी समझाने वाला हूँ। जीपीएस रिसीवर नीड टू कनेक्ट द विद फोर एंड मोर सैटेलाइट, मिनिमम थ्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी सैटेलाइट कनेक्ट होता है। आप कौन सा लोकेशन कहाँ पर आइडेंटिफाई करो उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैक्सिमम हम जो जीपीएस का यूज़ करते थे, देखो मैंने यहाँ पे मैप के थ्रू क्लैरिफाई किया आपका करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन आपको आइडेंटिफाई, और यहाँ पे देखो छोटा सा मैप के थ्रू भी मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अर्थ के अंदर टोटल कितने सैटेलाइट होते हैं, थ्री कनेक्ट होगा और आपका करंट लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा। ओके और इसको क्या बोला जाए, ट्राइंगुलेशन। तो ऑर्बिट के अंदर 24 सैटेलाइट हैं, बट जैसे मेरे सेलफोन के अंदर मैं जीपीएस डिवाइस या जो उसके चिप है उसको एक्टिवेट करता हूँ, तो टोटल कितने सैटेलाइट एक्टिवेट होते हैं, थ्री कनेक्टिविटी होता है और आपका करंट लोकेशन आइडेंटिफाई करे, उसके बाद जीपीआरएस का काम स्टार्ट होता है। तो मोस्टली जीपीएस का यूज एग्रीकल्चर के अंदर, वेदर की इंफॉर्मेशन, मानसून की सीजन चेक करने के लिए, पूरा फील्ड मेजरमेंट के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्विक कौन सा उसका टारगेट पॉइंट है, उसकी इफेक्ट कौन से एरिया में होने वाली है, साइक्लोन है कितनी स्पीड से साइक्लोन घूम रहा है, और उसकी मेजोरिटी उसका डेस्टिनेशन से लेकर लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिलिट्री, तो उसका तो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया, एनिमी की पोजिशन, एयरक्राफ्ट कहाँ पर पड़ा है, ट्रैकिंग सिस्टम, वो सब मिलिट्री के अंदर भी क्लैरिफाई किया गया। ट्रैकिंग द डिलीवरी एंड शिपमेंट, जैसे एग्जांपल आप अमेजोन से ऑर्डर करवा रहे हो या ऑर्डर बाय एयर भी आ रहा है, तो आपको ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैकिंग की नंबर दिया गया है, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिफ्थ वन क्या कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे आपका मोबाइल लॉस हो चुका है, कार लॉस हो चुकी है, की लॉस हो चुकी है, तो आप जीपीएस के थ्रू इजीली आप ट्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, बीआरटीएस या जो भी गवर्नमेंट की बसेस हैं उसके अंदर जीपीएस सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल ही होता है, आप परचेस भी करके अपने मोबाइल के या कार के अंदर ऐड करवा सकते हो। प्लीज़ स्टूडेंट, इसको जो मैंने 5 पॉइंट्स बोले उसको माइंड में सेट कर दीजिए, इसके बाद हम वन बाय वन उसमें और भी डिटेल्स स्टार्ट करेंगे। प्लीज इसको रिकॉल कर दीजिए। रेडी, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, इट इज यूज्ड टू मेजरिंग एरिया,
मेजरमेंट करने के लिए है, डिजिटल एग्रीकल्चर मैप, पूरा मैप डिजिटली चेक करने के लिए, जैसे कहाँ ग्रीनरी है, प्रिपरेशन द डिजिटल लैंड ऑनरशिप मैप, जैसे हमारे यहाँ पे 7x12 करके ये फील्ड लैंड का ऑनर कौन है, कितने एरिया तक है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना मेजरमेंट है। तो हमारे ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे जैसे वाटर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे यहाँ पे ओके फील्ड है, फील्ड के अंदर कौन सा एरिया में कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे चाइना है, वो सब मेजरमेंट करने के लिए सैटेलाइट कंटिन्यूस रोटेशन करते रहते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहती है। और उसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई एग्रीकल्चर के अंदर देखो यहाँ पे ओके ड्रोन के थ्रू या सैटेलाइट एक्टिवेट होता है और पूरा मेजरमेंट यहाँ पे चेक कर रहा है। ओके बैठे बैठे आप स्मार्टफोन के अंदर उसको ट्रेस कर सकते हो इजीली। प्लीज स्टूडेंट इसको भी नोट डाउन कर दिया जाना कि ये जीपीएस के अंदर एडवांटेज जैसा काम है। सेकेंड है डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ओके मैंने आपको पहले ही आपको समझा दिया इंडिया के अंदर ओके उसकी पूरी टीम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट, और पूरा फोर्स भी है उसका, जैसे एनडीए के अंदर नेशनल डिजास्टर फोर्स एनडीएफ, उसके अंदर क्या होता है जो भी पर्सन को ट्रेस करना हो, ओके फ्लड के अंदर इंजरी हुआ है उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीपीएस सिस्टम। इट इज यूज टू सर्च ऑपरेशन, एग्जांपल हिकर्स एडवेंचर बीडर, राइट, ये सब कई ऐसे सिस्टम्स हैं। जैसे कोई भी अर्थक्वेक हुआ है तो उसका सेंटर क्या है, कौन से फील्ड के अंदर ज़्यादा, तो एटलीस्ट एयरफोर्स है, नेवी है, वो सबको अलर्ट हो जाता है। ओके जैसे मैंने आपको बोला नेशनल डिजास्टर फोर्स है जो स्पेशली ये जितने भी डिजास्टर है उसको मैनेजमेंट करने के लिए एडवांस में पब्लिक को इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। ओके जैसे कोरोना के टाइम जो भी एरिया के अंदर ज़्यादा हो तो हमने यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर चुके हैं जो जीपीएस के थ्रू आपके नियरेस्ट में जितने पेशेंट हैं उसे आप अवेयर रहोगे, कितनी सेफ्टी रखनी है उसका भी जीपीएस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके एग्जांपल है सेतु है, आरोग्य सेतु नाम के एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको पूरा मेडिकल के रिगार्डिंग से लेके इमरजेंसी में जो भी हेल्प चाहिए, ओके 108 का या फायर ब्रिगेडर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको जीपीएस हेल्प करवा सकता है। थर्ड है मिलिट्री एप्लीकेशन। अभी मिलिट्री वाले को कैसे यूज किया जाता है उसके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे मिलिट्री के लिए जो मेन है उसके लिए अंदर क्या है, इट इज यूज टू डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक फाइटर प्लेन, टैंकर, बॉम्बर, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक मैप के थ्रू वन आर्मी पर्सन टू अनदर आर्मी पर्सन कनेक्ट करने के लिए जो मोस्टली ट्रैक के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और ये सब आईपी नेटवर्क के अंदर कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल यहाँ पे वन हेलीकॉप्टर टू अनदर हेलीकॉप्टर ये दोनों वापस आईपी के साथ ज्वाइंट होते हैं और उसका भी एक पूरा डेटाबेस का सर्वर होता है। ओके यहाँ पे देखो यहाँ ओके तो मैं ट्राई करो आपको जितनी भी थ्योरी है वो इमेज के थ्रू क्लैरिफाई करो और भी इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। मैं तो ओनली एंड ओनली फॉर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसे आपको और भी इंफॉर्मेशन इसमें मिले। क्लियर है स्टूडेंट? और जो भी मैं पॉइंट्स हाईलाइट करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर दे जाना, ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फ्यूचर में। ये जीपीएस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी पॉइंट्स हो, आप इजीली स्टडी कर सकते हो और माइंड में सेट कर सकते हो। सेम उसके अंदर भी क्लैरिफाई किया है मिलिट्री के अंदर एक्यूरेट आइडेंटिफाई द पोजिशन एंड टारगेट, जैसे कहीं टाइम एयरक्राफ्ट का एक्यूरेंस इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर आपने देखा होगा जो ड्राइवरलेस कार है, ऑटोमेटिक ड्रोन चलता है, ओके इसके अंदर जीपीएस इंपॉर्टेंट है। आपने कई ऐसे मूवी में भी देखा होगा जो उसमें कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता है, राइट है, जैसे स्पेशली ड्रोन है जो मिलिट्री वाले उसको मैक्सिमम यूज़ करते हो उसका पूरा कंट्रोल जीपीएस के थ्रू चलता है। नेवी शिप ऑल्सो यूज द सेम पर्पज़। नेवी के अंदर जैसे सबमरीन है, सी के इनसाइड है,
तो जीपीएस के थ्रू या रडार जैसी कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको इजीली ओके आपका डेस्टिनेशन और कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट इज़ ऑल्सो यूज द सैटेलाइट टू ऑप्टेन द हाई एक्यूरेटी ऑर्बिट डेटा एंड कंट्रोल द स्पेस क्राफ्ट की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दी, एक टैबलेट जैसा है जो स्पेशली जीपीएस सिस्टम होता है जो मिलिट्री के लिए थोड़ा अलग से डिजाइन किया गया होता है, क्लियर है। और आपने कई मूवी में भी ये देखा होगा, कोई भी पर्सन जैसे ऑटो गाइडेड मिसाइल्स हैं डायरेक्टली हम फायर कर देते, वो डायरेक्टली वहाँ पे फायर हो जाता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, सेम जीपीएस सिस्टम। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका है और पॉइंट अलर्ट भी करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है ट्रैकिंग डिलीवरी एंड शिपमेंट। ट्रैकिंग करना, किसको ट्रैक करना है आपको? यस, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम मॉनिटर डिलीवरी ऑफ गुड टू कस्टमर। जैसे आपने अमेजोन से ऑर्डर करवाया तो उससे क्या होता है, जब भी आपको उसका यूज़ करना हो तो पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाती है, ओके। उसका वो डिलीवर कहाँ हुआ, कितने दिन तक आपके घर तक पहुँचेगा, उसके पीछे कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड से आ रहा है, ओके, आप ट्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू समझाया, राइट, कितना डेस्टिनेशन है। और मोबाइल के अंदर आपको प्रोडक्ट के अंदर वो अलार्म के अंदर बजेगा, एयर के थ्रू आ रहा है, सब पूरी सिस्टम यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीपीएस के अलावा ट्रैकिंग डिलीवरी शिपमेंट के अंदर दूसरा भी एक है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज यूज टू मॉनिटरिंग देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है आपकी लॉस हो चुकी है, ओके, शिपमेंट में कहाँ तक पहुँचा, तो पूरा ट्रेस करने के लिए जीपीएस ट्रैकर होता है, उसके एक नंबरिंग होता है या बारकोड रीडर होता है, क्यूआर कोड, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट आप डिलीवर करने की ट्रैक करोगे तो ट्रैकिंग करने के लिए पहले एडवांस में आपको मिल जाती है। कंपनी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कैन बी सी द व्हीकल हैज बी डिले सजेशन एज अ फास्टर रूट अल्टरनेटिव कैन फाइंड आउट द करंट लोकेशन। जैसे ट्रैफिक में हो बचा, ओके, आपका व्हीकल पड़ गया है, कोई इमरजेंसी है जैसे मिल्क है, राइट, जो ऑलरेडी टाइम टू टाइम टच नहीं हुआ तो हो सकता है वो पूरी प्रोडक्ट है लॉस हो सकती है, राइट है, पेट्रोल है, इमरजेंसी में आपको किसी को भेजवाना है, जैसे मेडिकल है, कोई वैक्सीन है, ओके, उसको पॉइंट टू पॉइंट सोर्स टू डेस्टिनेशन फिक्स टाइम डिलीवरी के अंदर आपको उसको टच करवाना हो तो जीपीएस आपको मैक्सिमम हेल्प कर सकता है, ओके। तो मैंने इमेज के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट जो है जीपीएस के अंदर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या था, रिकवरी स्टोलन प्रॉपर्टी। जैसे आपको कार में से कोई प्रॉपर्टी लॉस हो चुकी है तो आपको जीपीएस हेल्प कर सकता है। सिक्योरिटी सर्विस कैन बी डिटरमाइंड एज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्टोलन व्हीकल डिवाइस सच एज अ मोबाइल फोन, लैपटॉप इक्विपमेंट, वो सब कुछ, ओके, किसके लिए, जीपीएस के थ्रू आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, ओके। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है, आपका सेलुलर नेटवर्क है वो कनेक्टेड हुआ है जीपीएस के थ्रू जो आपने यूज़ किया, और उसकी पूरी लोकेशन सर्विस आपको मिल जाती है। जैसे आपका मोबाइल लॉस हो गया तो लास्ट लोकेशन जीपीएस के थ्रू इजीली मिल जाता है सैटेलाइट के थ्रू। सेम यहाँ पे प्रोटेक्ट योर एंटी थेफ्ट, कार के अंदर आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिक जीपीएस ट्रेस कर सकते हो पर्सन को एज वेल एज आपकी डिवाइस या व्हीकल को भी इजीली ट्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रेडिंग इन द स्टोरी डिवाइस। जैसे अभी मार्केट के अंदर स्टोरी डिवाइस कौन से हैं आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप लोग, सर हमारे पास हार्ड ड्राइव है, चलो गुड, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इसके अलावा पेन ड्राइव है, इसके अलावा सर यूएसबी स्टोरेज है, सीडी है, डीवीडी है, बट ये सब की साइज कितनी है, हो सकता है जीबी में हो, एमबी में हो, टीबी में हो, ओके। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ सबसे स्मॉलर डिवाइस कौन सा होता है, लेस कौन सा होता है, बिट के ऊपर क्या आता है, KB के बाद MB के बाद GB के बाद TB। मैक्सिमम हम पब्लिक के लिए TB इनफ है, टेराबाइट, राइट है।
जो जिसे ये स्टोरी डिवाइस हमारे लिए हुई। बट कभी आपने शांति से सोचा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, इसमें स्पेशली मैं जीमेल के अंदर आप अकाउंट ओपन करते हो तो गूगल ड्राइव आपको 15 GB स्पेस फ्री में देता है। तो इससे सब स्पेस, कभी आपने सुना फेसबुक फुल हो गया, यूट्यूब फुल हो गया, इसमें डेटा स्टोर अवेलेबल नहीं है, जैसे आपकी पेन ड्राइव फुल हो सकती है, आपका लैपटॉप के अंदर मेमोरी फुल हो सकती है, बट ये सब डिवाइस कभी फुल नहीं होते। उसके रीज़न क्या है, उसके अंदर नास एंड सान ऐसे दो इमरजेंसी ट्रेडिंग स्टोरेज डिवाइस है जो मोस्टली पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यूज़ किया गया है। नास का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और सान का स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट प्लीज़ इसको फुल फॉर्म नोट डाउन करेगा, दोनों सेम जैसा दिखेगा पर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, इसका रिवर्स वर्ड है। और मैंने बॉटम से डायग्राम भी दिया है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी तरह समझना। आप फेसबुक के अंदर फोटो अपलोड करते हो अपने स्मार्टफोन से, हो सकता है वो आईडी का यूज़ करके टैबलेट का यूज़ किया, लैपटॉप या पीसी में कहीं से भी फोटो आप अपलोड करते हो। यूट्यूब में अनलिमिटेड मैंने वीडियो अपलोड करके रेडी कर दिया है, जैसे स्टूडेंट को ऑनलाइन घर बैठे बैठे कोविड के अंदर आप स्टडी भी कर सकते हो। तो मैंने ये सब एक्चुअली जाता कहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और वापस उसको डेटा जहाँ भी चाहिए वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ हमारे यहाँ पे दो टाइप के जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो इमरजेंसी के अंदर यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, नास एंड सन। ओके, अभी आप लोग सर ये कैसे होता है टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन तक वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, और उसका पूरा हम टेक्नोलॉजी, उसके पीछे का बैकग्राउंड, ये कहाँ पे यूज़ होता है और उसके पीछे ये बेनिफिट क्या है, क्यों ये सब हम इमरजेंसी ट्रेडिंग स्टोरेज डिवाइस रखते हैं। जैसे एग्जांपल एप्पल के अंदर क्या है, आई क्लाउड है, गूगल के अंदर गूगल ड्राइव है, क्या इतना ही है? नो, इसके अलावा कई सारे स्टोरेज डिवाइस हैं जो ऑनलाइन आपको फ्री में भी GB और TB में डेटा स्टोर करने के लिए अलाउड है। ओनली फॉर 15 GB से अभी कुछ नहीं होता, अच्छे से सेलफोन से आप कैमरा का यूज़ करके एक फ़ोटो क्लिक करोगे तो 16 MB का एक फ़ोटो क्लिक होता है, तो 15 GB तो लेस है, मैं एक्स्ट्रा चाहिए तो यस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवर करते हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट करोगे, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा। आई होप सो ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।